ये दोस्तों, इस समय पूरे देश में 5G की लहर दौड़ रही है और इस तरह हर एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी एक दूसरे से मुकाबला कर रही है कि कौन सबसे अच्छा 5G सर्विस देगा और अपनी बाहें कितनी जल्दी पूरे देश में डाल सकेगा। और जियो और एयरटेल 1 अक्टूबर से जल्दी से काम कर रहे हैं 5G को पूरे देश में लेकर आने की, ताकि वे अपने ग्राहकों को बहुत अच्छा और बहुत जल्दी इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकें। और अब जल्दी ही BSNL भी आपको उसी दौड़ में दिखाई देगी। इसकी स्पीड इतनी अच्छी होगी कि आप जियो और एयरटेल की बराबरी देखोगे। पर BSNL अगले महीने ही अपना 4G निकालने वाला है, पर मैंने तो आपसे कहा कि ये 5G लेकर आने वाला है। हाँ, ये 5G जल्दी ही लेकर आने वाला है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना आने वाली वीडियो के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि भारत का दूरसंचार विभाग BSNL को 62,000 करोड़ रुपये का 5G स्पेक्ट्रम अलॉट करने वाला है, जो इस साल की शुरुआत में संचार में दी गई 1,64,00,000 करोड़ के पैकेज से एक्स्ट्रा होगी। सरकार BSNL को 700 मेगाहर्ट्ज़ और 3.3 मेगाहर्ट्ज़ में एयरवेज अलॉट करने की योजना बना रही है। जियो के बाद 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में BSNL देश का दूसरा टेलीकॉम ऑपरेटर बनेगा। मैं आपको बता दूं कि 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड केवल जियो के ही पास है अभी तक। रिपोर्ट की माने तो BSNL को 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड 10 मेगाहर्ट्ज़ 40,000 करोड़ में और 70 मेगाहर्ट्ज़ 3.60 से 3.67 गीगाहर्ट्ज़ बैंड की BSNL को 22,000 करोड़ मिलेंगे। इसके लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने मंजूरी भी दे दी है और ये भी बात चल रही है कि इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस स्पेक्ट्रम के द्वारा BSNL आपको अच्छी सर्विस दे सकेगा। इसके साथ ही सब गीगाहर्ट्ज बैंड ग्रामीण इलाकों में 5G की सर्विसेज, या कहूँ 5G की सर्विसेज की पेशकश करने में टेलको की खास रूप से मदद करेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि 700 मेगाहर्ट्ज में 10 मेगाहर्ट्ज एयरटेल के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये ग्रामीण इलाकों में 5G सर्विसेज देती है और इसलिए जरूरी भी है। वहीं जियो ने 10 टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के लिए 39,270 करोड़ रुपए खर्च किए थे, इसलिए BSNL को देने के लिए सरकार के पास 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में पर्याप्त स्पेक्ट्रम होने वाला है। वहीं एयरटेल ने भी कहा है कि आने वाले समय में हम भी 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाएगी। टाटा कंसल्टेंसी की मदद से BSNL जल्दी ही पूरे भारत में 4G सर्विस लेकर आने वाला है, या कहूँ बस करने ही जा रहा है। इसमें सेंटर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन शामिल है। वहीं 5G का लग रहा है कि 5G 2023 के अगस्त तक आपको देखने को मिल जाएगी 5G में। तो यही था दोस्तों कि आने वाले समय में आपको 5G जरूर दिखाई देगा BSNL का, वो भी 2023 में। वो तो देखते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है और क्या एक्शन लेगी। अगर आ जाता है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि एयरटेल और जियो से थोड़े सस्ते प्लान आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर कोई अपडेट निकल कर आती है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों, अलविदा।